बीते कुछ समय में ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां मकान मालिक ने किराएदार को गलत तरीके से परेशान किया है। कई किराएदारों के वो बिना किसी पूर्व सूचना के दबाव बनाकर घर खाली करा लिया गया, या फिर किराया राशि को इतना बढ़ा दिया गया कि मकान लेने वाले किराएदार को मकान खाली करना पड़ा। इसके साथ ही रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 का उल्लंघन भी काफ़ी देखने को मिला है। इस एक्ट के तहत किराएदार और मकान मालिक के अधिकारों के नियमों को काफ़ी ज़्यादा साफ और क्लियर कर दिया गया है, इसलिए किराएदार को अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में किराएदार बड़े शहरों से अपने गाँव कस्बों में लौट गए थे। बीते दिनों में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के बाद कॉरपोरेट सेक्टर के काम करने वाले कर्मचारी मेट्रो शहरों में लौटे तो उन्हें मकान मालिक की ओर से बहुत ज़्यादा किराया मांगने की बात देखने को मिली। दिल्ली NCR में बड़े पैमाने पर मकान मालिकों ने घरों के किराए बढ़ा दिए, जिस वजह से किराएदारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। दोस्तों, रेंट कंट्रोल एक्ट 1948 के अनुसार अगर आप अपने मकान मालिक से परेशान हैं या वो अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आपको बतौर किराएदार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी है रेंट एग्रीमेंट। इसमें लिखी गई बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर मकान मालिक टैक्स वगैरह से बचने के लिए किराए राशि सही नहीं दर्ज कराते, इसको लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप ये जान लें कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को बिना वैलिड रीज़न या एग्रीमेंट में तय समय से पहले घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। रेंट एक्ट के अनुसार यदि किराएदार को 2 महीने का रेंट किराएदार ने नहीं दिया है और घर को कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये बातें एग्रीमेंट में नहीं लिखी गई हैं तो मकान मालिक घर या संबंधित प्रॉपर्टी को खाली करवा सकता है। वहीं इस प्रकार की स्थिति में मकान मालिक के लिए ज़रूरी बात यह है कि वो किराएदार को घर खाली करने के लिए कम से कम 15 दिन का नोटिस दें। दोस्तों, किराएदार को घर में ज़रूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी मकान मालिक की होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पार्किंग आदि। मकान मालिक कभी भी इन सेवाओं को उपलब्ध कराने से मना नहीं कर सकता। मकान मालिक तभी मना कर सकता है जब किराएदार ने 2 महीने का किराया ना दिया हो या दूसरे किसी तरीके से उसका मकान मालिक के ऊपर किराया या कोई भी ऐसा पैसा बाकी ना हो। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।